Good morning, students. Yes, it's morning. Now, today we will start new chapter, chapter number 5, in standard 6, mathematics. Student, fraction. Fractions means the part of, equal part of the any objects, right? Yani, koi bhi other figures hai, jiske andar equal parts kare, to fraction kaha jata hai, like this. Ye jo ek circle hai. इट्स वन टोटल यानी कि ये पूरा होल है. इसके बाद उसके दो पार्ट करेंगे ऊपर लिखना है तो इट्स ऑल अबाउट 1 अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन 2. इसके 3 हम इक्वल पार्ट्स करेंगे इसके राइट तो इट्स कॉल्ड 1 3 1 था एंड अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे इसके इस तरह से सो इट्स कॉल्ड 1 अपॉन 4. तो ये है फ्रैक्शंस. तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 अपॉन 7 राइट. तो ये है दो फ्रैक्शंस है यानी जो दो डिजिट देंगे ये है फ्रैक्शन में उसका फर्स्ट वाला जो डिजिट है उसे कहते हैं न्यूमरेटर विच हम न्यूमरेटर एंड जो नीचे वाले डिजिट है उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन क्या होगा. नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ नंबर 9. नंबर 9 का अर्थ हमें फ्रैक्शन बताने हैं हम किस तरह से बताएंगे. सो लुक दैट ये नंबर 9 है आपको नंबर 9 स्टैंडर्ड फिट में है. नंबर 9 का अगर हमें 4 को 7 करना है तो आपको बताएंगे तो जो ये नंबर्स है फ्रैक्शंस वन वो किस तरह से नंबर 9 में आएंगे. तो एक तो नंबर 9 आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स वाले जो हमने पहले देखे जीरो के जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड ये है सब नेगेटिव इंटीजर्स और ये होंगे सब पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके हम जीरो से स्टार्ट करेंगे. 4 अपॉन 7 यानी टोटल कितना है 7. 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे दिया गया 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां पे हमने टेक किया है. अब हमें 4 अपॉन 7 नंबर लाइन लेना है तो हमें यहां से जो नॉर्मली हम नंबर लिखते हैं 2/3 इस तरह से हम लिखेंगे सेकंड वाले को 2/3 राइट 2/3 देन 1/4 1/4 है वो एक क्वार्टर यानी कि टोटली 1 क्वार्टर यानी कि 1/4 लिख सकते हैं और हम 1 क्वार्टर भी हम इसे लिख सकते हैं है या तो हम इसको 1/4 ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं 1/4 को 3/5 उसको हम लिखेंगे 3/5 एंड लास्ट 5/8 तो फर्स्ट वाला आएगा वो 5 नीचे वाला रुका हुआ है राइट. तो इस तरह से हम सारे के सारे फ्रैक्शन को लिख सकते हैं न्यूमेरेटर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर दिए गए हैं. एग्जांपल के तौर पे आपकी एक्सरसाइज में आया है न्यूमेरेटर है 4 और डेनोमिनेटर है 7 तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन को 4 अपॉन 7 इस तरह से. ओके इसके बाद कुछ आगे वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको फाइंड द नंबर ऑफ दिया गया है. तो इसमें अगर 3 अपॉन 4 तो 12 है और अगर हम फाइंड करना है किस तरह से करेंगे तो 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 12 4 के नंबर पे 12 का मतलब है 4 जीरा 12 6 जीरा 9 9 इज द आंसर. इस तरह से हम हमें पूरा आंसर इसका फाइंड कर पाएंगे राइट. अब हम ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5 ओके एक्सरसाइज नंबर 5 है. ये जो सारे क्वेश्चन से वो आपको दिए गए हैं इस तरह से हमें आंसर फाइंड करने हैं तो उसके बारे में एक एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लिया तो आपको दिया है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इन अ पोर्शंस यानी कि जो मैंने वहां पे फर्स्ट वाला किया था उसी तरह से
तो ये जो पार्ट है उसमें कुछ पार्ट है वो सेड है, यानी कि कोई कलर किया हुआ है, ये 3 pi 3 times of 5। तो हमेशा आपको याद रखना है कि द टोटल नंबर इज द नेट मीनिंग, यानी टोटल पार्ट है 100, इसमें से 1 गिना नहीं सकते। तो इसको हम आंसर लिखेंगे 1/4 में 3/4, यानी कि 4 है और 3/4 हो गया। इसलिए इस तरह से देन देखिए टोटल टाइम का दूसरे मिनट में है, ये टाइम का आपको भी आ गया है, इसमें से ये 1/4 इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी 1/4। ओके 1/4 को हम अगर लास्ट टर्म्स में 1/2 आ सकता है, यानी दोनों आंसर हमारे राइट होंगे। इस तरह से थर्ड वाला है उसका आंसर 2/3, जो थर्ड वाला आपको सेट दिया गया है उसमें। फोर्थ वाला सेट से वो टोटल आप दीजिए, टोटल 10 है उसमें से 3 इज कलर, तो 3/10। जो फिफ्थ वाला आपको दिया गया है टेस्ट में, उसमें टोटल आप काउंट कीजिए हाउ मेनी सर्कल आता है, ट्रायंगल सर्कल है, सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मेनी कलर देयर इज 4, सो आंसर इज 4/9। एंड सिक्स जो आपको एक फ्लावर्स दिए गए हैं, फ्लावर मैंने देखे टोटल पार्ट्स कितने हैं फ्लावर्स के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कलर है 3, यानी 6 का आंसर आएगा 3/3। ओके तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेट सेट्स दिए गए हैं आपके टेक्सटबुक में, एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1, ये इसके आंसर्स है एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1। ओके नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको दिया गया है ना, सेल ऑफ 4/9, एक 9 बॉक्स वाला आपको जो पार्ट से हो गया है ऐसा, उसमें क्वेश्चन है कि से 4/9/9, तो इसमें आप कोई भी 4 है वो आपको सेट कर देने हैं, कोई भी 4 आप कर सकते हैं। ओके ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर व्हिच वेयर द सेटेड रीजन 1/4, ऐसा एक आपको फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से, राइट। इसमें से लिखा है कि 1/4 है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या सेट दिया गया हो तो वो इक्वली होना चाहिए, ये सेट से वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को कभी भी हम फोर्थ पार्ट में इक्वली हम नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, रेक्टेंगल इज Not divided by 4 equal parts, right? So rectangle है वो कभी भी 4 equal parts में, यहाँ पे जो rectangle आपको दिया गया है उसमें 1 है वो set है, लेकिन ये rectangle है ये जो parts है वो larger है इस parts से, इसलिए इट्स नॉट पॉसिबल। ओके तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट वाला है 3/4, ओके 3/4 का आंसर कैसे लिखेंगे, तो ऊपर 3 नीचे 4, यानी कि 3/4 सेकंड है 4/7, 4/7, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने दो करवाए हैं एग्जाम करने पर के, ऐसे कैसे कुछ नीचे दूसरे दिए गए हैं उनको भी आपको इसी तरह से डिजिट लिखना है, 3/4, 4/7 इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, यानी कि नीचे
9 इसके हमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करने हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो आपको अगर न्यूमेरेटर लेना है तो ऊपर का डिजिट है वो क्या रहेगा, न्यूमेरेटर इक्वल टू 4, डिनोमिनेटर कितना है 9, सो डिनोमिनेटर इक्वल टू 9। यानी कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह से लिखने हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चंस करवा देता हूं, लास्ट वाला है 5 वाला, 5 1। तो न्यूमेरेटर कितना रहेगा इसमें 5 और डिनोमिनेटर 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 आंसर लिखने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको फाइंड करने हैं आंसर्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज इक्वली टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? इसमें आपको फाइंड करने हैं कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए गए हैं, आपको फ्रैक्शन सीखना है, राइट। तो फर्स्ट वाला है, देखिए आप, न्यूमरेटर इक्वल 3 एंड डिनोमिनेटर इज 8, डिनोमिनेटर इज 8, हम आंसर लिखेंगे 3/8। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सारे के सारे आंसर लिखने हैं। ओके, नाउ मोर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छी तरह से इजी क्वेश्चन से इसलिए आ जाएंगे, अच्छी तरह से आपको आंसर लिखने हैं। नाउ मोर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज राइट डाउन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रैक्शनल नंबर हमें लिखने हैं, फर्स्ट वाला दिया गया है 2/3, तो इसको हमें वर्ड में लिखना है। 2/3 हम किस तरह से वर्ड में लिखेंगे उसके बारे में आपको वर्ड में लिखना होगा। तो देखिए 2/3 है तो हम किस तरह से लिखेंगे, TWOTHIRS 2/3, राइट। इसके बाद 4/9 इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, तो 4/9 यानी कि इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 7 के राइट करने हैं। 2/3 4/9 लास्ट वाला 6/15 लास्ट वाला करवा देना है, 11 पीछे चला जाना है लास्ट में, जैसे कि 5/11 है तो 5/11 लास्ट में सबको लगाना है। अगर कोई भी लास्ट वाला लिखे 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 इस तरह के आपको आंसर फाइंड करने हैं, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है आपको, तो उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे कुछ क्वेश्चन 6 और 7 में दिए गए हैं, और वो है व्हाट टू डू में, यानी वन मार्क क्वेश्चंस में वो आ सकते हैं। ये हमें स्टैंडर्ड जो हमारा था फिफ्थ वाला, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, कौन से मेजर्स है कौन से डिनोमिनेटर है। ये कुछ एग्जांपल के वक्त मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन आपको पूरे पूरे एक्सरसाइज के सारे सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको आपके स्टडी में करने होंगे। हां, तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया गया है व्हाट फ्रैक्शन एंड होल्स, तो 1 होल में कितनी मिनट होती है, 1 आवर से नहीं है 10 मिनट 60 मिनट, राइट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, सो व्हाट फ्रैक्शन इन अ 24 आवर्स, तो 24 आवर इक्वल टू 24 अपॉन 60, ये आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर 2 एंड 10, 2 एंड 10 के बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं, 2 टू 10 का टोटल नंबर हुए 9, इसमें से नेचुरल नंबर अगर फाइंड करते हैं तो कौन कौन से होंगे, 4, 6, 8 एंड 10, ओके 4, 6, 8 एंड 10, तो हमें आंसर लिखना होगा 4 इज द नेचुरल नंबर आउट ऑफ 9, ये है आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 4/9। नाउ द नेक्स्ट वन ग्रेटर मैन, यानी कि जो व्हाट प्रॉब्लम टाइप जो सॉल्व करने के क्वेश्चन सॉल्व करने के आंसर आते हैं फ्रैक्शन में, उस तरह का है क्वेश्चन नंबर 10। तो
उसको हम डिफाइन करेंगे किस तरह से क्वेश्चन को क्या नाम आंसर लेना है. लुक एट दैट क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द क्वेश्चन? फर्स्ट वन 2, 3 of 15. तो हमें क्या करना है? 2, 3 मल्टीपल बाय 15. 3 इलेवन 15 का पाएंगे, 3 5 15, 2 5 10 आंसर फर्स्ट वन. इसके बाद सेकंड वन दिया गया है आपको 2, 3 of 27. 3 9 27, 18 is the answer. Then the third one is there, 2, 3 of 36 balloon. 12 is 36, multiply by 2 multiply by 3 into 36. इसको अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में तो इस तरह से हमें आंसर्स फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 10 के. देन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको किस तरह से करना है, सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ये हो क्वेश्चन नंबर 10. उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 में भी करना है. क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट वन 3, 4 मल्टीपल बाय ऑप्शन इज 16. सेकंड वन है 3, 4 मल्टीपल बाय 28. थर्ड वन है 3, 4 मल्टीपल बाय 32. यानी वन टोटल टाइम में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम इस तरह से फाइंड कर रहे हैं 4 4 16, 3 4 12, और 7 28, 3 7 21, एंड 4 8 32, 8 3 20. क्वेश्चन लेलम है 25 पेंसिल, सी गिव्स 4.5 ऑफ देम मीन, यानी टोटल पेंसिल से 25, हाउ मच टोटल पेंसिल अकॉर्डिंग टू 25, इसमें मीना को कितनी देगी? 4/5 उसने मीना को दे दी. इसके बाद है हाउ मेनी पेंसिल डस मीना गेट, मीना को कितनी पेंसिल मिली? हाउ मेनी पेंसिल आर लेफ्ट विद लेलम. तो पहले हमें मीना का फाइंड करना है कि मीना को कितनी पेंसिल मिली होगी. तो हम फाइंड करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 25. 5 5 25, 4 5 20, 20 पेंसिल मीना को मिली. ठीक है मीना, लेकिन कितनी पेंसिल लेफ्ट बाद में वो भी हमें फाइंड करना है. नीलम के पास कितनी पेंसिल, टोटल पेंसिल है 25, उसने से 20 उसने मीना को दे दी. हाउ मेनी है 5 पेंसिल. आंसर आएगा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में आता. नाउ मोर क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. कुछ नंबर आए और क्वेश्चन से मैंने पहले ही आपको सॉल्व कर दिया, राइट? नंबर 2 है 3/8. 3/8 आपको इस तरह से नंबर लाइन में लिखना है. तो देखिए आपको ऐसे नंबर लाइन बना देनी है, स्केल के यूज से यहां पे 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या निशान आ गई है, और ये हो गया आपका 3/8. ओके 3/8 में टोटल एक हुआ. इसके बाद आपको 1 2 3 3/8 इस तरह से आंसर आएगा, लेकिन जो 8 टोटल है वो नाम है ऊपर देना है. इस तरह से आपको फाइंड करनी है 3/8 की. दूसरी है 5/9. 5/9 के लिए भी नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहां पे एक रख दीजिए 5 है, 1 2 3 4 and 5, तो यहां पे जो 5 वाला है वो है 5/9. ओके इस तरह से आपको 1/4 फिर 4/7 4/5 इस तरह के पूरे पूरे आपको नंबर लाइन पे इसी तरह से आपको बतानी है. ये था क्वेश्चन नंबर 13. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये अच्छी तरह से एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू 13 ये आपको मैथ्स के एचएमएल के बुक में करने हैं. ओके.
ओके तो प्लीज नॉट हैव टू रिपीट योर होमवर्क आई सी आप होमवर्क टेक कर लीजिए एक्सरसाइज 5a क्वेश्चन नंबर 1 टू 30 ये सारे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन से वो आपको आज के होमवर्क में करने हैं तो अभी आप करते रहिए स्वस्थ रहिए अच्छे से होमवर्क कीजिए होमवर्क करने के बाद उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर भेज दीजिए ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे